आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल या बाइक चलाना पसंद है? कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको रेड लाइट क्रॉस करना पसंद है? कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको गाड़ी में सीट बेल्ट पहनना पसंद नहीं है? सो गाइज, आपको पढ़ने वाली है बहुत ही ज्यादा दिक्कत, क्योंकि आपका मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जो है वो फाइनली लागू हो गया है। जो मैंने न्यूज आज से एक हफ्ता पहले दी थी कि चलान के रेट इतने 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 बढ़ गए हैं, सो फाइनली वो आज से लागू हो गए हैं, और आपको बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। सो गाइज, क्या क्या रेट बढ़े हैं मैं आपको दोबारा बता देता हूं। सो क्या क्या रेट बढ़े हैं और किस चलान के प्राइजेस कितने कितने तक हो गए हैं वो बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहला चलान जो है, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी नाबालिगों को जो कि 18 साल से कम है और जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इस मोटर एक्ट के थ्रू। सो गाइस, 25,000 रुपीज इज द फाइन, और जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो स्कूटर चलाते हुए पकड़ा जाए, बाइक चलाते हुए पकड़ा जाए, या गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया बंदा, जो बच्चा होगा, नाबालिग होगा, देन आपका जो वो जो भी व्हीकल होगा उसकी रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी, रद्द कैंसिल कर दी जाएगी। सो ये बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है लोगों को। और यार, 25,000 रुपये, एक नॉर्मल इंसान की पूरी फैमिली 25,000 रुपये में अपना महीने का खर्चा पूरा करती है। सो अगर ऐसे 25,000 रुपये का चलान हो गया तो लोगों के तो महीने का पूरा बजट ही आउट होने वाला है। सो यार, प्लीज जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी बड़े देख रहे हैं, प्लीज अपने छोटे भाई बहनों को, बच्चों को कोई भी ऐसे गाड़ी, बाइक या स्कूटर चलाने को ना दें। नेक्स्ट जो आती है गाइज, वो आती है विदाउट हेलमेट की। सो पहले जो चलान था 100 रुपये का, वो अब कर दिया है 500 रुपये फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, अगर आप पहली बारी पकड़े जाते हैं, क्योंकि अब सब कुछ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो गया है, सब कुछ उनकी मशीन के अंदर हो गया। सो अगर आप पहली बारी पकड़े जाते हैं देन आपको पड़ेगा 500 रुपये का चलान, और अगर आप सेकंड टाइम फिर दोबारा विदाउट हेलमेट पकड़े जाते हैं देन आपको देने पड़ेंगे उसी चीज के 1,500 रुपये। सो यार, आप लोग 1,500 रुपया विदाउट हेलमेट देना चाहते हैं? समझ से परे यार, लोग विदाउट हेलमेट पता नहीं क्यों चलाते हैं। एक्चुअल में दिस इज फॉर योर ओन सेफ्टी, आप ही का सर बचेगा, बट लोगों को शायद हवा खाने का, जैसे डॉग्स होते हैं उनको बड़ा शौक होता है कि गाड़ी के अंदर से वो अपना मुंह बाहर निकाल के, जीभ बाहर निकाल के हवा फेस करते हैं, तो ये शायद लोगों के दिल में रहता है और वो हेलमेट नहीं पहनते। बट गाइज, दैट इज फॉर योर ओन सेफ्टी, आपके ही सर बचाने में काम आता है। और मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी देने वाला हूं, क्योंकि एक हमारा भाई है, वो अभी अभी ठुका है कुत्ते के साथ अपनी स्कूटी के अंदर, एंड उसको काफी ज्यादा टांके आए हैं, उसकी एक आंख के ऊपर तक पूरा का पूरे स्वेलिंग है और वो पूरे टांके भर गए हैं। सो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। सो विदाउट हेलमेट 500 रुपीज फॉर द फर्स्ट ऑफेंस एंड सेकंड ऑफेंस 1,500, एंड उसके बाद आपको जेल टर्म भी हो सकती है अगर आप ये कुछ रिपीटेटिव रखते हैं। सो गाइज, अगर आप ट्रिपलिंग कर रहे हैं या ओवरवेट आप कोई भी चीज कर रहे हैं, जैसे सपोज आप स्कूटर पर कोई ज्यादा सामान लेके जा रहे हैं, बाइक के ऊपर लेके जा रहे हैं, या अगर आप ट्रिपलिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो पहले जो चलान था 100 रुपए का, उसको कर दिया गया है 500 रुपए का। नो पोल्यूशन, अगर आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है देन अगेन 500 रुपीज का चलान है। अगर आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े जाते हैं, सपोज इवन इफ यू आर 18 और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बट आपको जब पुलिस वाले पकड़ते हैं और उस टाइम पे आपके पास जेब में वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है और आप गाड़ी या बाइक या स्कूटर चलाते हैं, पकड़े जाते हैं, देन आपको 5,000 रुपए भरने पड़ेंगे। यार 5,000 रुपए, सीरियसली गाइज, जेब में लाइसेंस लेके चला करें, बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। रैश ड्राइविंग का अगेन मैं बोलूंगा 5,000 रुपीज का चलान है, सो स्लो चलाएं, 2 मिनट लेट पहुंचे बट तसल्ली से पहुंचे और 5,000 रुपए बचा के पहुंचे। फोन पे बात अगर आप करते हैं देन गाइज, फर्स्ट ऑफेंस इज फॉर 5,000 रुपीज, सेकेंड ऑफेंस इज फॉर 10,000 रुपीज। इस तरीके से अलग अलग चालान है, एंड देन आपको जेल टर्म्स भी हो सकती हैं आगे आने वाले टाइम पे। सो यार, फोन पे बात अगर आप कर रहे हैं,
आपको अगर शौक है तो प्लीज, आपका कोई जरूरी कॉल आ रहा है, गाड़ी बाइक स्कूटर को साइड पे लगा ले। मैं तो लोगों को ये देख रहा होता हूँ विदाउट हेलमेट चल रहे हैं एंड देन फोन यहाँ पे लगाया है और इस तरीके से करते हुए वो बात करते हुए ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं। तो यार क्यों अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी के साथ आप लोग खेल रहे हैं, ऐसा मत करिए। रॉन्ग साइड अगर आप जाते हैं गाइस, 5,000 रुपीज़ का चलान है। मोस्टली जो इंडिया में एक्सीडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर रॉन्ग साइड की वजह से होते हैं एंड ड्रंक एंड ड्राइविंग की वजह से होते हैं। सो यार रॉन्ग साइड प्लीज़ ना चलें, थोड़ा सा घूम के आ जाएं, थोड़ा सा टाइम फालतू लगेगा बट रॉन्ग साइड जाके कुछ मिनट बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करें। अगर हम यहाँ पे रेड लाइट जंप की बात करें गाइस, देन अगेन 5,000 रुपीज़ इज़ द फाइन, जो कि पहले 100 रुपए चलान था रेड लाइट जंप का 5,000 रुपए कर दिया। क्योंकि यार पुलिस वालों को भी पता चल चुका है, गवर्नमेंट को भी पता चल चुका है कि इंडिया के लोग बिल्कुल बेशरम हैं और यहां पे लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना जानते ही नहीं है। सो जब तक किसी को ये मोटी चपत नहीं लगने वाली तब तक लोगों का माइंडसेट जो है ना वो सेट नहीं हो पाएगा। सो 5,000 रुपीज फॉर रेड लाइट जंप। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते, 100 रुपए का चलान था, 1,000 रुपीज का हो गया है। सीट बेल्ट इज अगेन फॉर योर ओन सेफ्टी। और जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में मोस्टली जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं वो ज़्यादातर या तो रॉन्ग साइड के होते हैं या आपके ड्रंक एंड ड्राइविंग के होते हैं। सो प्लीज़ दारू पी के गाड़ी ना चलाएं। अगर आपको दारू पी ली है और आपके पास गाड़ी है तो उसको जहाँ पे है वहीं पार्क कर दें, ओला उबर में से कोई भी गाड़ी मंगवा लें, कैब के थ्रू घर चले जाएं एंड अगले दिन आराम से जब आप फ्रेश माइंड के होंगे अपनी गाड़ी पिक कर लें, अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। सो गाइज नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे भी अब गाड़ी खड़ी करने के ऊपर चलान है, तो प्लीज़ आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग से पीछे की तरफ ही होके गाड़ी स्कूटर या बाइक खड़ा करें। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये भी देखता हूँ कि रेड लाइट पे हम खड़े होते हैं तो लोग स्कूटर बाइक वाले साइड साइड से आके ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके आगे बस आगे निकल के खड़े होना है उनको, पता नहीं क्यों ये सीन होता है। आगे पता नहीं एकदम ग्रीन होगी तो उड़ते हुए शायद घर पहुंच जाएंगे या कुछ हो जाएगा, ये सीन समझ में नहीं आया। बट इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़ का आपको अब मिनिमम चलान कर दिया गया है। सो यार सारी चीज़ें दिमाग में बिठा के चलें, न्यूज़ के अंदर भी आ रहे हैं, कुछ चीज़ों में हो सकता है शायद मेरे पॉइंट्स थोड़े से ऊपर नीचे हों। तो सो गाइज दीज वर ऑल द चलान। सो सेफ ड्राइव करें, तरीके से ड्राइव करें, थोड़ा सा लेट पहुंचे घर से, थोड़ा सा जल्दी निकलें बट अपनी और दूसरों की लाइफ के साथ प्लीज ना खेलें। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप यू आर एक्टिव वॉचिंग दिस वीडियो। दुनिया खुशी देगा गाइज, आपको भी खुशी महसूस होगी कि स्माइलिंग। गॉड ब्लेस, बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.